पुलिस अधीक्षक ने सीआरपीएफ व पुलिस बल के साथ किया मार्च पास्ट। बांदा जनपद के बबेरू में आज बांदा पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल व सीआरपीएफ की बटालियन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए सीआरपीएफ की बटालियन के साथ पैदल मार्च किया और लोगों को जागरूक करते हुए संदेश दिया कि चुनाव में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वहीं कोई प्रलोभन व दबाव डाले तो फौरन 112 नंबर में सूचना दें। पुलिस मदद के लिए आपके दरवाजे में खड़ी मिलेगी। पूरा मामला बांदा जनपद की बबेरू कोतवाली का, जहां पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सीआरपीएफ बटालियन एवं भारी पुलिस बल के साथ बबेरू कस्बा के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च निकाला। वहीं लोगों को जागरूक किया गया कि चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। वहीं संदेश दिया कि अगर कोई भी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाले, प्रलोभन दे तो फौरन 112 नंबर पर सूचना दे, पुलिस मदद के लिए दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बबेरू क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया गया है। आज विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र बबेरू क्षेत्र में हम लोग सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे सभी उन वल्नरेबल जगहों पर हम लोग जाएंगे, उनको आश्वासन देंगे कि वो फ्री एंड फेयर ढंग से अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाएगा कि वो कोई इस तरह की गड़बड़ी न करें जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया में व्यवधान हो। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर कितने गांव में किया जाएगा? काफ़ी सारे गांव में किया जाएगा, वो पूरी लिस्ट और पूरा रूट चार्ट बना हुआ है। और गश्त के और फ्लैग मार्च के दौरान हम लोग इस चीज़ को भी चेक कर रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन हुआ है। शिवलाल शर्मा की रिपोर्ट।